एक्स बाय टू, राइट। ठीक है, यही कहानी दूसरे इंटरवल के लिए चेक करेंगे, यही कहानी अब हम दूसरे इंटरवल के लिए चेक करते हैं, पाई बाय टू से पाई में। एक्स हमारा लाई करता है पाई बाय टू से पाई में, तो एक्स बाय टू लाई करेगा पाई बाय फोर से पाई बाय टू में। अब अगर हम 45 से 90 डिग्री के बीच की वैल्यू पुट करते हैं, कॉस 60 भी पॉजिटिव, साइन 60 भी पॉजिटिव, नाइस। तो मॉड हट गया, अंदर वाली पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी तो मॉड हट जाता है। लेकिन अब कलेश ये है कि अगर 45 से 90 के बीच में x बाई टू को पुट करते हैं, cos 60, 60 आता है हाफ, sin 60 रूट 3 बाई टू। अब ये पूरी टर्म ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव है, अब अगर ये अंदर वाली टर्म नेगेटिव है तो मॉड हटा करके हम एक बाहर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा इस इंटरवल में sin x बाई टू माइनस cos x बाई टू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मॉड के इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करो, अगर मॉड वाली पूरी टर्म पॉजिटिव आ जाए तो मॉड हटा दो, मॉड वाली टर्म, मॉड के अंदर वाली टर्म नेगेटिव आ जाए तो मॉड हटा करके एक नेगेटिव साइन लगाना, बच्चों मत भूलना, ठीक है। चलो देखो, तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखने वाले हैं इसे कॉट इनवर्स रूट वन प्लस साइन एक्स की जगह मॉड, और मॉड की जगह सिंपल कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, ठीक है, प्लस, और दूसरे वाले की जगह साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा बच्चों, डिनोमिनेटर में आएगा कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस ऑफ साइन एक्स बाई टू प्लस ऑफ कॉस एक्स बाई टू। उड़ गया बच्चों, कुछ कुछ कॉस कैंसिल, डिनोमिनेटर से साइन कैंसिल, बच्चों आया कॉट इनवर्स टेन ऑफ एक्स बाई टू, ठीक है, कॉट इनवर्स टेन, टेन को लिखा कॉट ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, बच्चों कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, बच्चों आ गया पाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू। देखो इंटरवल से ही क्वेश्चन की कहानी बदल गई बिल्कुल, ठीक है बच्चों। अब प्लीज एक बार नोट करेंगे, इसके बाद हम दो तीन सवाल और देखते हैं। ये छह काफी अच्छे सवाल थे बच्चों हमारे, आपको अगर ये छह सवाल समझ आ रहे थे तो काफी हद तक आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सीख गए। कुछ और एक दो सवाल देखते हैं बच्चों हम जल्दी से, प्रिसाइजली क्वेश्चन नंबर 7 था बच्चों हमारा, प्रूव दैट साइन ऑफ कॉट इनवर्स कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों हमारा, प्रूव दैट कॉस ऑफ टेन इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक है, राइट। और क्या हो सकता है बच्चों हमारा, एक सवाल देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रूव दैट, ये बोर्ड में आया है बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है, आई थिंक ये 2015 के ही पेपर में आया था, ठीक है, या शायद 2016 में आया हो, रादर आप ये याद रखिए कि सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है। प्रूव दैट टेन पाई बाय फोर प्लस हाफ कॉस इनवर्स ए बाय बी प्लस टेन पाई बाय फोर माइनस हाफ कॉस इनवर्स ए बाय बी इक्वल्स टू टू बी बाय ए, ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम एक सवाल और करते हैं, एक और सवाल जो बच्चों है हमारा वो है ये कि अगर tan इनवर्स अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अल्फा के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि हमारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू साइन ऑफ टू अल्फा है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे कुछ सवाल हैं बच्चों, तीन चार जो हम सॉल्व करेंगे अब जल्दी से, राइट। देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों मैं कर रहा हूं, 8th आपके लिए गृह कार्य रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको खुद ट्राई करना है 8th क्वेश्चन, ठीक है। चलो देखते हैं, तो ट्राइंगल खेलना है बच्चों इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 में साइन ऑफ कॉट इनवर्स
कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू रूट में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम टेन इनवर्स एक्स को थीटा लेने वाले हैं। हमने टेन इनवर्स एक्स को थीटा लिया, एक्स आ गया हमारा टेन थीटा, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स मतलब कॉस ऑफ थीटा, जो कि आ गया बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस पूरे कॉस थीटा की जगह वन बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर लिखेंगे हम, साइन ऑफ कॉट इनवर्स वन बाय रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब बच्चों हम कॉट इनवर्स वन बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर को फाई लेने वाले हैं, तो हमारा कॉट फाई आएगा बच्चों वन बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो फाई बनाते हैं ट्राइंगल में, बेस परपेंडिकुलर तो हाइपोटेन्यूज। अब हमें क्या निकालना है, साइन, ये पूरा क्या है फाई है, तो अब हमें निकालना है साइन फाई, जो कि होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बहुत इजीली और बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों हमने इसे सॉल्व किया, ठीक है। ट्राइंगल ट्राइंगल बनाना है बच्चों। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, इसे टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलते हैं, फिर कॉस से कॉस इनवर्स काटते हैं, क्या फायदा है, टेन इनवर्स एक्स तो थीटा है ना, तो बेसिकली हमें पूरी टर्म यानी कॉस थीटा की ही तो वैल्यू निकालनी है, तो इससे थोड़े से स्टेप्स कम हो जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आपको यह क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों, और आपके लिए होमवर्क रहेगा। एक बार बच्चों अब हम दो और सवाल करते हैं और फिर अपने इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सीबीएसई बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने इसे कॉस इनवर्स ए बाई बी को थीटा लिया और हमारा एक्सप्रेशन बन गया टेन ऑफ पाई बाय फोर प्लस थीटा बाय टू प्लस मानो या ना मानो पाई बाय फोर माइनस थीटा बाय टू, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan a, यानी tan a मतलब tan pi by 4 1 होता है, tan a plus tan b upon 1 minus tan pi by 4 1, 1 minus tan a tan b। स्टेप खा गया मैं, tan a plus tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, tan a मतलब tan pi by 4, tan pi by 4 तो 1 है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, LCM 1 प्लस टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस मानो या ना मानो 1 माइनस टेन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कुछ कुछ उड़ गया बच्चों, 2 tan थीटा बाई 2 गायब कर दिया, 2 tan थीटा बाई 2 गायब कर दिया मैंने, और बच्चों क्या बनता है देखो। अब आगे ऐसा करते हैं, 7th और 8th क्वेश्चन को गायब करते हैं। चलो अब हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंटिन्यू करते हैं। तो अब क्या बनता है, ये बनता है 2 टाइम्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये बच्चों फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 का फॉर्मूला कॉस थीटा होता है, ठीक है। और हमारे कॉस थीटा की क्या वैल्यू है बच्चों, a बाई बी, तो 2 टाइम्स a बाई बी प्रूव हो गया, जबरदस्त तरह से प्रूव हो गया, ठीक है, राइट। तो काफी प्रिसाइज सॉल्यूशन था बच्चों, सीबीएसई बोर्ड में 4 मार्कर आया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करेंगे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके। उसके बाद अब हम लास्ट सवाल करते हैं। बच्चों अब आप इस कंडीशन में हैं कि आप मोस्ट ऑफ दी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, तो अब आप प्लीज एनसीईआरटी के काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज और मिसलिनियस, और जो आपको सवाल ना समझ में आए आप उसके डाउट्स मुझे व्हाट्सएप करिए। सॉल्यूशन 10 देखते हैं हम। तो हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट में वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, अगर अल्फा है तो एक्स स्क्वायर साइन टू अल्फा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टैन इनवर्स, उधर ले गए तो बचा टैन अल्फा, ठीक है। ठीक है बच्चों, रेसिप्रोकल लेते हैं
तो रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर वन अपॉन बच्चों आया टेन अल्फा यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। बच्चों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब होता है कि अगर अगर a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है तो a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होगा। तो यहां पर लगाते हैं न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। बच्चों कुछ कैंसिल आउट करते हैं, ये आ गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, टू गायब कर दिया दोनों में से, रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन को लिखा साइन बाय कॉस तो ये बन गया कॉस प्लस साइन, एलसीएम से ही मैं गायब हो गया कॉस माइनस साइन। अब आप इसकी स्क्वायरिंग करिए तो ये आया वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर और ये आया कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन बच्चों कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। ये आ गया वन प्लस एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन अल्फा प्लस इंटू कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को लिखा वन, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा को लिखा साइन टू अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा को लिखा वन, टू साइन अल्फा कॉस अल्फा को लिखा साइन टू अल्फा। अब कंपेयरिंग लिख देंगे, कंपेयर करने पे आप देख लो एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ पर बच्चों साइन टू अल्फा आ रही है। हमारा जो प्रूव करने की कहानी थी वो हमने समहाओ मेहनत करके प्रूव कर दिया बच्चों। आई होप आप बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर पढ़ रहे होंगे, रजिस्टर में नोट कर रहे होंगे और लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आगे की कहानी। थैंक यू सो मच बच्चों।